हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नाभिकों के अंदर जो रेडियोधर्मी डीके होता है उसके अंदर गामा डीके के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो प्रकार के डीके, अल्फा डीके तथा बीटा डीके के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो अल्फा डीके जो होता है उसमें किसी भी नाभिक जो कि रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है कि स्वतः विखंडन के दौरान वह नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, जो कि क्या होता है, एक हीलियम का नाभिक होता है। इसके अंदर नाभिक के अंदर जो नया नाभिक बनता है उत्सर्जन के दौरान, उस नए नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वह पुराने या मूल नाभिक की तुलना में अलग होती है, जिसमें नया नाभिक जो होता है उसका परमाणु क्रमांक मूल नाभिक से 2 कम तथा उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या मूल नाभिक से 4 कम होती है। तो इस प्रकार के डीके के अंदर जब भारी नाभिक या कोई भी अन्य नाभिक जो रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित कर रहा है के द्वारा अगर किसी भी अल्फा कण को वो उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकार का जो गुण है या इस प्रकार का जो डीके है वो कैसा डीके कहलाता है, अल्फा डीके कहलाता है। उसके बाद में हमने दूसरा डीके पढ़ा था, बीटा डीके। इस बीटा डीके के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था अगर कोई भी नाभिक एक बीटा कण को उत्सर्जित करता है तो उस बीटा कण के उत्सर्जन के दौरान उस नाभिक के परमाणु क्रमांक में तो परिवर्तन होता है, परंतु उस नाभिक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका कारण होता है कि इस बीटा डीके के अंदर जो नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक परिवर्तन होने का कारण होता है, नाभिक के अंदर रेडियोधर्मी या बीटा डीके के दौरान परमाणु जो बीटा डीके होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में तथा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन तथा प्रोटॉन में का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होने के कारण उस नाभिक के परमाणु क्रमांक के अंदर या तो संख्या एक से वृद्धि हो जाती है या फिर संख्या एक से कमी हो जाती है, उस वजह से उस नाभिक का परमाणु क्रमांक में वृद्धि या कमी होती है। तथा साथ में इस बीटा डीके के अंदर हमने एक तीसरा प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी पढ़ा था। इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक जो है वो क्या करता है, मूल नाभिक के कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से उस परमाणु के अंदर बीटा माइनस डीके या कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से उसमें बीटा माइनस डीके भी उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो किसके रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में चेंज हो जाता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के अंदर चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके के अंदर परमाणु का परमाणु क्रमांक एक से कम हो जाता है। तो टोटली दो प्रकार के डीके हमने पढ़ लिए थे, अल्फा डीके जिसके अंदर कोई भी नाभिक जो होता है वो अल्फा कण को उत्सर्जित करता है, तथा दूसरा डीके पढ़ा था हमने बीटा डीके जिसके अंदर कोई भी परमाणु जो होता है एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से क्या करता है, एक कण जो स्वतः विखंडन करता है, उस स्वतः विखंडन के कारण परमाणु के परमाणु क्रमांक के अंदर परिवर्तन होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है गामा डीके। इस गामा डीके के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि इस गामा डीके के अंदर कोई भी परमाणु है जो कि अगर गामा डीके को प्रदर्शित करता है तो उस गामा डीके के दौरान उस नाभिक के अंदर क्या है, परमाणु क्रमांक इस गामा डीके में नए नाभिक का परमाणु क्रमांक नए नाभिक का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस गामा डीके में हम इसके तीनों प्रकार पढ़ेंगे, तीनों ही प्रकारों में यह प्रॉपर्टी इसकी या ये कंडीशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, यह कंडीशन कभी भी परिवर्तित नहीं होगी किसी भी प्रकार के डीके में पढ़ेंगे। मतलब जो गामा डीके के अंदर जो तीनों प्रकार में से किसी भी डीके में हम पढ़ेंगे, भले गामा डीके पढ़ो, आंतरिक रूपांतरण पढ़ो, आंतरिक युग्म रूपांतरण पढ़ो, इन तीनों ही डीके के अंदर क्या होगा, इन तीनों ही प्रक्रिया के अंदर जो नया नाभिक बनेगा उसका परमाणु क्रमांक हमेशा मूल नाभिक के समान ही रहता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी उसी मूल नाभिक के समान रहती है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
जो गामा डी के जो होता है वो क्या होता है, वो एक किसी भी उत्तेजित नाभिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई भी नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस नाभिक के पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस नाभिक में से किसी भी कण को क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके, या उस नाभिक को में से किसी कण को उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित ऊर्जा इतनी नहीं होती कि वो किसी वो कण उत्सर्जित हो सके। तो उस कंडीशन में वह नाभिक क्या करता है, अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, तीन प्रकार के डीके करता है इसमें, जिसमें एक तो गामा डीके होता है, दूसरा आंतरिक रूपांतरण होता है, और तीसरी कंडीशन होती है आंतरिक युग्म रूपांतरण। तो ध्यान रखना इस गामा डीके के अंदर क्या होगा, जब नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती जिससे कि वह नाभिक के किसी कण को उत्सर्जित कर सके। क्योंकि कोई भी नाभिक अगर उत्तेजित अवस्था में होता है तो वो कंडीशन जो होती है वो इसकी अस्टेबिलिटी अस्थायित्व की कंडीशन होती है, और अगर कोई भी नाभिक अस्थायी है तो हमेशा किस कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा या किस स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, स्थायी अवस्था में जाने की कोशिश करता है। तो इस स्थायी अवस्था में जाने के लिए वो क्या करता है, गामा डीके की कंडीशन, जो गामा डीके के अंदर तीन कंडीशन होती है, उस कंडीशन के रूप में अपनी उत्तेजन और ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तथा उसी के साथ में वो किस अवस्था में आ जाता है, स्थायी अवस्था में आता है। तो गामा डीके के अंदर क्या होगा, जो नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है वह उत्तेजित अवस्था से किस अवस्था में आने की कोशिश करता है, अपनी स्थायी अवस्था में या फिर मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वो क्या करता है, अपनी उत्तेजन अवस्था को अलग अलग रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो किस अवस्था में आ सके, स्थायी अवस्था में आ सके। तब यह नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा, ये अतिरिक्त ऊर्जा कौन सी होगी, उत्तेजन ऊर्जा, को निम्न रूपों में उत्सर्जित कर स्थायी अवस्था प्राप्त करता है, जिसमें सबसे पहली तो कौन सी होगी, गामा डीके, दूसरी कंडीशन होगी आंतरिक रूपांतरण, तीसरी कंडीशन होती है इसमें आंतरिक युग्म रूपांतरण। ये तीन कंडीशन हमको इसके अंदर पढ़नी है। अब इसमें हम सबसे पहले इसकी जो गामा डीके की कंडीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि गामा डीके में क्या होता है जिसकी वजह से नाभिक अपने स्थायित्व कंडीशन को प्राप्त करता है। इस डीके के अंदर जो है कोई भी नाभिक, जो कि हम देख लेते हैं, अभी तक हमने जो दो प्रकार के डीके पढ़े, अल्फा डीके या बीटा डीके, अगर कोई नाभिक दो प्रकार के डीके, अल्फा तथा बीटा डीके, दोनों प्रकार के डीके कर देता है, उसके पश्चात भी अगर वो नाभिक क्या रहता है, अपने एक्साइटेशन स्टेट या फिर उत्तेजित अवस्था में रहता है, तो उस कंडीशन वो क्या होती है, वो उसकी अस्थायित्व की कंडीशन होती है। वो अपनी इस अस्थायी कंडीशन से स्थायी कंडीशन या स्थायी अवस्था में जाने के लिए क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का
किसके रूप में? गामा किरणों के रूप में उत्सर्जन करता है, तथा इस प्रकार से वो नाभिक किस अवस्था में आ जाता है? अपने स्थायी अवस्था में आता है। अब यहां से वो क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि गामा किरणें होती है, उसके रूप में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करने की वजह से इसमें से इस नाभिक की जो एक्साइटेशन स्टेट है वो खत्म हो गई। वो किस अवस्था में आ जाएगा? मूल अवस्था में आएगा। इस वजह से इस नाभिक की उत्तेजन अवस्था तो खत्म हो जाती है, परंतु इस नाभिक के अंदर किसी भी प्रकार के परमाणु क्रमांक या उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह नाभिक ओनली फॉर अपनी किस अवस्था को ग्रहण कर रहा है? मूल अवस्था को ग्रहण कर रहा है, न कि किसी भी कण को उत्सर्जित कर रहा है अपने में से, जैसे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को। उस वजह से इस नाभिक के किसी भी परमाणु क्रमांक या फिर उसके द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात भी अल्फा तथा बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात भी एक नाभिक उत्तेजित अवस्था में हो सकता है। अब यह नाभिक अपनी स्थायी अवस्था या मूलावस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी उत्तेजन ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, जिन्हें हम गामा किरण भी कह सकते हैं। अब यहां पे ये अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन करने की वजह से इसके नाभिक या जो नया नाभिक मिला है उस नाभिक के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें नाभिक के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो बेरियम का, जब इसमें से गामा किरण के रूप में इसकी उत्तेजन ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, तब ये अपने किस अवस्था में आ जाएगा? मूल अवस्था में, तथा साथ में ये किसको उत्सर्जित करेगा? गामा किरण को, जो कि इसमें किसके रूप में होती है? एनर्जी के रूप में होती है। आप ऐसे देख सकते हो इसको कि जैसे कि मान लो कि स्टार्टिंग में ये नाभिक पांचवें ऊर्जा स्तर में स्थित है। कौन से?
पांचवें ऊर्जा स्तर में, और उसके पश्चात वो किसमें चौथा, या फिर आप कह सकते हो चौथे ऊर्जा स्तर में, या फिर अपने उत्तेजित अवस्था में हो, तो उस कंडीशन से अब वो वापस किस अवस्था में आने की कोशिश करेगा, अपने मूलावस्था में। तो मूलावस्था में आने के लिए वो क्या करेगा, यहां से नीचे की तरफ गति करेगा, तो उस कंडीशन में वो अपने साथ में क्या करेगा, गामा किरण का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, तथा किस अवस्था में आ जाएगा, अपनी स्थायी अवस्था में। यह इसकी कौन सी कंडीशन होती है, अस्थायी अवस्था होती है, या अस्थायी कंडीशन हो सकती है। अस्थायी या उत्तेजित अवस्था में क्या होते हैं, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो शून्य ऊर्जा स्तर से के अंदर न स्थित होकर किसी और ऊर्जा स्तर में होते हैं, तो उस कंडीशन में वो नाभिक किस अवस्था में कहलाता है, उसकी उत्तेजित अवस्था में, क्योंकि नाभिक के अंदर जो कण होते हैं वो कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अगर मूल या जीरो शून्य ऊर्जा स्तर में न होकर किसी अन्य ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो नाभिक किस अवस्था में कहलाता है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में कहलाता है। अब हम इसी के अंदर जो सेकंड डीके पढ़ेंगे वो, या सेकंड कंडीशन जो होगी गामा डीके की, वो कौन सी होगी, आंतरिक रूपांतरण अवस्था। उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से नाभिक किस अवस्था में आ जाए, स्थायी अवस्था में आ जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हमें। दूसरी कंडीशन जो है वो इसमें आंतरिक रूपांतरण, सेम वही की वही चीज। इसमें भी क्या होगा, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या परिवर्तित नहीं होगी, परंतु अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वह नाभिक क्या करेगा, अपनी जो उत्तेजन ऊर्जा है उसको गामा किरण के रूप में उत्सर्जित न करके किसमें उत्सर्जित करता है, अपनी उसी ऊर्जा को वो क्या कर देता है, अपने किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके क्या करता है, उस रूप में वो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करे, तो इस कंडीशन में जो रूपांतरण होता है उसको हम कैसा रूपांतरण बोलेंगे, आंतरिक रूपांतरण। आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो कि ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कक्षा है, एक आप इसको K बोलते हो, L बोलते हो, इसके आगे M तथा N के रूप में आगे से आगे और कक्षाएं होती रहती, और ज्यादा और भी कक्षाएं होती है। तो ये नाभिक जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है तो ये अपनी एनर्जी इस K स्टेट के किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में वो नाभिक क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस कंडीशन में ये नाभिक क्या आ जाएगा, वापस अपने पुरानी वाली या फिर मूला अवस्था में आ जाएगा, या फिर अपनी स्थायी अवस्था में आता है। तो आप ध्यान रखना, इस कंडीशन या आंतरिक रूपांतरण के अंदर क्या होगा, अगर कोई भी नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था में है तो उत्तेजित अवस्था के दौरान वो अपनी उत्तेजन ऊर्जा को गामा किरण के रूप में न निकाल के किसके रूप में, अपने गामा किरण के रूप में उत्सर्जित न करके उस ऊर्जा को अगर वो अपने कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करे, तथा अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके अगर वहां से कक्षा से बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर वह नाभिक वापिस अपने किस अवस्था में आ जाएगा, पुरानी वाली या फिर अपनी स्थायी अवस्था में आ जाएगा, और इस दौरान भी इस नाभिक के परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के रूपांतरण को हम कैसा रूपांतरण बोलेंगे, आंतरिक रूपांतरण बोलेंगे। और हमेशा इस कंडीशन या इस रूपांतरण में हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी नाभिक अपनी उत्तेजित ऊर्जा को किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा, तो सबसे पहले वो किस ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, के कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा, उसके बाद में वो एल एम तथा एन
कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किस कक्षा की होगी, के कक्षा की होगी। इसकी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में उत्तेजित नाभिक अपनी ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में उत्सर्जन के स्थान पर अपने आणविक इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, जिससे रूपांतरित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है के कक्षा, लेकिन नाभिक का द्रव्यमान की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक इस प्रक्रिया में पूर्व प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि यहां उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन नाभिक के स्थान पर इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकलता है। इस वजह से अब आप ये कह, यहां से भी वही की वही कंडीशन के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से बाहर निकल रहा है, आणविक कक्षा से बाहर निकल रहा है, न कि इसके अंदर से। अगर इस नाभिक के अंदर से निकलता तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता, प्रोटॉन के अंदर परिवर्तित हो जाता, तब उस नाभिक का क्या हो जाता, परमाणु क्रमांक परिवर्तित हो जाता। परंतु यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आणविक कक्षा से बाहर निकल रहा है, उस वजह से इसमें क्या हो रहा है, उस वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस ये जो रूपांतरण है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से अलग है। उस इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर नाभिक जो होता था वो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था, उस वजह से उसमें प्रोटॉन किसमें परिवर्तित हो जाता था, न्यूट्रॉन में। परंतु यहाँ पे ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, निकाल रहा बाहर, उस वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, नाभिक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में एक्सचेंज नहीं होता है। अब इसकी तीसरी कंडीशन जो है वो है इसके अंदर आंतरिक युग्म रूपांतरण। इस आंतरिक युग्म रूपांतरण के अंदर कोई भी नाभिक जो है जिसके पास में उत्तेजन ऊर्जा का मान अगर 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में वो नाभिक क्या करता है, कूलाम क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से क्या करता है, नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण करता है, जिसकी वजह से उस नाभिक के अंदर जो उसकी उत्तेजन ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन युग्म निर्माण के रूप में। तो उस वजह से उस नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा जब उस युग्म निर्माण के रूप में खर्च हो गई, तब वो नाभिक फिर से किस अवस्था में आ जाता है, अपनी पुरानी वाली मूल अवस्था में आ जाता है, तथा उस नाभिक के अंदर उसके परमाणु क्रमांक तथा उसकी द्रव्यमान संख्या में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखना,
जो तीसरी कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के युग्म का निर्माण होता है, जिस वजह से नाभिक अपनी किस अवस्था में आ जाता है, वापिस अपने स्थायी अवस्था में आ जाता है। तीसरी कंडीशन जो है वो इसके अंदर किसकी है, आंतरिक युग्म रूपांतरण, युग्म रूपांतरण, जिसके अंदर क्या करता है, यदि कोई नाभिक, यदि कोई नाभिक जिसके पास 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तेजन ऊर्जा है तो वह कूलांग, तो वह कूलांग क्षेत्र की सहायता से, क्षेत्र की सहायता से, कूलाम क्षेत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण करता है तथा अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार के रूपांतरण को हम कैसा रूपांतरण बोलेंगे, आंतरिक रूपांतरण। और यहां पे जो ये कूलॉम क्षेत्र बोला है, यहां पे ये कूलॉम क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्या मतलब है, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो नाभिक के अंदर जो भी आवेश है प्रोटोन के रूप में, या फिर जो न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों के युग्म के रूप में, वो क्या करता रहता है, स्थिर अवस्था में होगा नहीं, वो क्या करते रहते, वो उसके अंदर भी एक कूलॉम प्रतिकर्षी या फिर नाभिकीय बल के प्रभाव में भी क्या करते रहते, गतिशील अवस्था में होते नाभिकीय कक्षाओं के अंदर भी। तो उस वजह से अगर उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन या होल युग्म का निर्माण होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो क्षेत्र लगेगा वो कूलॉम क्षेत्र लगेगा, और वहां पे आवेश है उनकी गति कैसी है, परिवर्तित गति है। एक नियत गति से तो कोई भी कक्ष, कोई भी जो कण है नाभिक का वो गति करता नहीं है, और आपको मालूम हो तो आवेशों की जो अनिश्चित गति या त्वरित गति होती है उसकी वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से एक नाभिक के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण किया जाता है तथा वह नाभिक किस अवस्था में आता है, अपनी वापिस अपनी पुरानी वाली या स्थायी अवस्था में आ जाता है। तो हमने अभी तक तीन प्रकार के जो डीके पढ़ लिए, अल्फा डीके, बीटा डीके तथा गामा डीके। इस गामा डीके में भी मैंने आपको तीन प्रकार के डीके बताए। एक गामा डीके जिसके अंदर कोई भी नाभिक जो होता है वो अपनी उत्तेजन ऊर्जा को गामा किरण के रूप में उत्सर्जित करता है। आंतरिक रूपांतरण के अंदर हम अब गामा किरणों को के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित न करके एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं, जिसके वजह से वह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी कक्षा से बाहर आ जाता है तथा साथ में ही नाभिक अपनी पुरानी वाली मूल अवस्था में आ जाता है। और तीसरे डीके में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से भी वह ऊर्जा इस युग्म निर्माण में खर्च हो जाती है तथा नाभिक अपनी किस अवस्था में आ जाता है, वापस पुरानी वाली मूल अवस्था में आ जाता है। तो अभी तक हमने तीनों प्रकार के डीके पढ़ लिए। अब इन डीके के आधार के ऊपर जब एक तत्व के अंदर नाभिकों का विखंडन होता है या विघटन होता है तो उस कंडीशन के अंदर उस नाभिक के अंदर प्रति इकाई कितने विखंडन की दर क्या है, उस आधार के ऊपर एक रदरफोर्ड सोडी का विखंडन नियम है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उस नियम की व्युत्पत्ति करेंगे तथा क्या सूत्र बनेगा, किस आधार के ऊपर नाभिकों का विघटन होता है या विघटन की दर क्या होगी उसका मान ज्ञात करेंगे तथा उसके आधार के ऊपर कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी होंगे तो वो क्वेश्चन भी हम कल की क्लास में करेंगे।